कल मैंने अपना कोल्ड कॉफी मंगा लिया, कोल्ड कॉफी आपको पता मुझे काफ़ी पसंद है। तो पीछे बीच हॉल में यहाँ पे इनका बार एरिया है, देखते आप देख सकते हैं। और गाइस आप प्ले हो चुका है माय करंट फेवरेट सॉन्ग समर हाई। वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज कृष्ण रमन, आई होप दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ दिल्ली रोड पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस आज मैं हमें बहुत ही अच्छे मतलब रेस्टोरेंट कैफे और बार टाइप मैंने यहाँ पे कुछ है जिसका नाम है स्पाइस लॉन्च। और इसका मैं एड्रेस बता रहा हूँ, सिंपल सा एड्रेस है, ये सामने दिल्ली रोड और इधर है साई हॉस्पिटल, साई फ्लोर के बाहर में जस्ट 50-60 मीटर आगे ये है स्पाइस लॉन्च। और गाइस बाहर में मास्क स्टूडियो, हमने इसका भी एक ब्लॉग बनाया था, मैं आपको लिंक डालूँगा, आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं स्पाइस लॉन्च के अंदर, आइए। तो गाइस जैसे एंट्री करेंगे आपको छोटा सा रिसेप्शन एरिया मिलेगा, बाकी आपको रिसेप्शन मिलेंगे। बाकी ऊपर चलते हैं, ये देखिए मतलब तो काफ़ी अच्छा रहा है मतलब थोड़ा इनके जो इन्होंने, ये देखो यहाँ से तो लग रहा है मतलब फिलहाल यहाँ से इंडियन डिजाइन उनकी बहुत प्यारी लग रही है, मतलब काफ़ी ग्रीनरी लग रही है यहाँ पर, मतलब रियल तो नहीं फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ग्रीन ग्रीन देखते। यहाँ पर लिखा है बड़ा सा गुड वाइब्स ओनली, ये देखो क्या प्यारा लग रहा है। वैसे मोस्टली हर जगह ये होता है, जितने भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ कैफे में जाता हूँ आज के गुड वाइब्स ओनली क्यों लिखा होता है। और वाइस कुछ लोग टोकते हैं, शाम हो चुकी है लेकिन तब मैं गौर सा हूँ, पर कोई बात नहीं मतलब मेरे मन का था लगा लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है ना वीडियो बनाते हुए तो थोड़ा ज़्यादा माइंड मत करना। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट कर हम घर चलते हैं अंदर, ये देखिए यहाँ सारा का सारा इनका ऐसा कुछ लग रहा है स्पाइस लॉन। गाइस काफ़ी बड़ा लग रहा है तो भाई, काफ़ी बड़ा है तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो आपको पूरा दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये देखो ये देखो ऐसा कुछ लग रहा है, देखो देखो सिटी में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ, ये देखो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक सोफा है और एक इधर थोड़ी सीटिंग है इधर ज़्यादा, बाकी उधर है। भाई देखिए यहाँ पे और सोफा है, भाई स्पेस बहुत है, बहुत बड़ा है तो जितना आपको वीडियो में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा लगा चेयर्स गाइस, थोड़ी कोजी कोजी यहाँ पर वाइब्स हैं, थोड़ी मतलब कहते हैं थोड़ी डिम लाइट, थोड़ा रोमांटिक सामान यहाँ पर कर रखा है इन्होंने, मतलब थोड़ी आपको वाइब्स वाली मिलेंगी रोमांटिक्स वाली, जैसे कपल डेट पर अगर आते हैं उसके लिए काफ़ी सही जगह करी मेरे को लगा है, उसी मतलब उसी को ध्यान रखते हुए बनाएगा यहाँ पे फैमिली वगैरह के लिए। थोड़ी लाइटिंग कम है इस पर, थोड़ा कैमरे थोड़ा आपको लो क्वालिटी आ रही होगी लेकिन रियल में जब देखोगे लाइटिंग परफेक्ट एकदम, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर आगे है ना। बाकी आपको दिखाएंगे पूरा पूरा आप बने ना, ये देखो सर आपका नाम क्या है? नाम अनिकेत। अनिकेत नाम है इनका, और ये हमें वहाँ मिले थे हमारे होटल में रहते थे हमें, जब हमने स्काई की वीडियो बनाई थी। आइए क्या क्या यहाँ बताओ ज़रा, एक हॉल बनाया हमने पार्टी हॉल। अच्छा ये पार्टी हॉल है, तो कहीं जैसे होता है कॉमन सा पार्टी हॉल है यहाँ पे जो कि हर जगह होता ही है, ये तो कोई पार्टी हॉल है बिकॉज यहाँ पे बर्थडे वगैरह आप करेंगे तो आराम से 20-25 लोगों के नाम से यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगी है ना, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें बनाया कहीं छोटा सा यहाँ पे ये भी एरिया है तो काफ़ी सही रहा, यहाँ पे सनलाइट भी आती रहेगी। तो बोल रहा हूँ ना ही मैं इसमें प्रमोट करता हूँ ना ही कुछ करने का, तो सवाल नहीं उठता बिकॉज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को मतलब पूरा जानना होता है कैसे कैसे क्या होता है। चलते हैं आगे अंदर देखते हैं कहीं, यहाँ पे इनका यहाँ पे मतलब बार एरिया है यहाँ पूरा का पूरा, मतलब बीच में पूरा इनके पीछे बीच हॉल में यहाँ पे इनका बार एरिया है, देखते आप देख सकते हैं, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। गाइस थोड़ी थोड़ी मुझे स्काई की वाइब दे रहा है, ज़्यादा स्काई है ना हमारे होटल में, थोड़ी थोड़ी बेसिक वाइब दे रहा है मुझे बिकॉज वो भी बार एंड लाउंज सब कुछ है, रेस्टोरेंट वगैरह ये भी सेम टू सेम है, मतलब सब कुछ है यहाँ पे भी। चलो भाई स्टेट बैठते हैं यहाँ पे, यहाँ टेबल अच्छा लग रहा है। सो आज हम बैठ चुके हैं, अब देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है यहाँ पे, क्या ऑर्डर करते हैं हम। भाई जैसे आप देख सकते हैं ये है इनका मेन्यू कार्ड स्पाइस लॉन्च वालों का, और ये देखिए हॉट कॉफी है 75 रुपीज़ की, और जो है आइस टी है 95 रुपीज़ की, हॉट टी वी 75 रुपीज़ की। और मेरे को ये देख के लग रहा है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है हल्का पुल गए, पर कोई बात नहीं हमें टेस्ट कराना तो आपको हम टेस्ट कराएंगे। वेज पकौड़ा 380 रुपीज़ का, आलू पकौड़ा 300 रुपीज़ का। मोनो बता के क्या ऑर्डर करें हम, ये पनीर टिक्का 480 रुपीज़ का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, समझे ना क्या ऑर्डर करें हम, देखते हैं चलो ऑर्डर करेंगे।
सो गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है और जो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने पूछा पिज़्ज़ा चाहिए, मैंने सैंडविच पूछा, बर्गर पूछा, तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो वैसे बोल रहे हैं फर्स्ट ऑफ नवंबर से यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अब मेरे को नहीं पता वीडियो कब जाएगी, अगर यहाँ पे आ रहे हो तो 1 नवंबर के बाद आना। तो यहाँ पे लंच के लिए, डिनर के लिए, वेज नॉन वेज सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर मेरे को जो खाना था वो मिले नहीं। तो वैसे बस फिलहाल मैंने अपना कोल्ड कॉफ़ी मंगा लिया, कोल्ड कॉफ़ी आपको पता मुझे काफ़ी पसंद है तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी मंगा लिए। फिलहाल आपको इसका टेस्ट बताऊँ कैसा है। बहुत चिल्ड है, बहुत चिल्ड। गाइस फॉर अ फ्रैंक बोलूँ, कोल्ड कॉफ़ी जो ठीक ठाक लग रही है, मतलब ज़्यादा सही नहीं लग रही, पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं, मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी पीने में। पता नहीं अभी रिसेंटली न्यू ओपन इसलिए नहीं हो रही है क्या नहीं हो रही, मतलब जो भी है आपको अपना फेयर रिव्यू दे रहा हूँ मैं, है ना। और बाकी फिर कभी आऊँगा मैं 1 नंबर के बाद में अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में, तब बताऊँगा रिव्यू अच्छे तब दूँगा मैं। पर जगह बहुत अच्छी है, इंटीरियर वाइज जगह क्लासी एकदम, मतलब आपको ऐसा लगेगा कहीं बैठे हो, मतलब एकदम पूरी महंगी एक्सपेंसिव जगह लगेगी आपको पूरी पूरी। गाइस जो हमारी सिटी में ट्रैफिक जैम है चाइना के सामने और जो है स्काई है हमारा होटल में, तो बेसिक उधर करके वाइब दे रहा है मेरे को ये, तो ट्रैफिक जैम और स्काई और ये इस वाइज नो, लगभग तीनों एक ही जगह लग रही है मेरे को, तो मस्त है जगह। प्लेस तो काफ़ी अच्छी है और थोड़ी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ओवरऑल 1 नंबर है भाई। जब यहाँ पर आओगे फैमिली या फ्रेंड के साथ तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर एक डिस्प्ले भी है जैसे आप देख सकते हैं और सॉन्ग भी बज सकते हैं यहाँ पे। मैंने थोड़ी वॉल्यूम कम करा दी बिकॉज कॉम्प्लेट का इशू रहता है, वरना फुल वॉल्यूम में स्क्रीन पे आराम से सॉन्ग चलते रहेंगे, वैसे वीडियो चलती रहेगी, तो आराम से हमें डांस करो, कुछ भी करो, एंजॉय करो फुल। यहाँ पर भाई बाइक सारी है और वैसे मैंने थोड़ा जो वीडियो चल रही है उसमें वॉल्यूम थोड़ा बढ़वा दिया मैंने, और अच्छा लग रहा आपको देखना, आपको बाइक बताते हुए आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी सही बाइक आपको आएंगी, काफ़ी आपको हर बाइक अच्छा लगेगा, आप आ सकते हैं। आइए और भैया थैंक यू सो मच, क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा। थैंक यू सो मच भैया ने हमारी वीडियो शूट की, थैंक यू थैंक यू। और गाइस यहाँ के मैनेजर सर, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। अच्छा तो इसकी ओपनिंग कब हुई थी? फिफ्थ अक्टूबर को हुई थी, अभी मतलब 20 डेज के आसपास ही हुआ है ऑलमोस्ट। और इसके मतलब एड्रेस क्या बता देंगे, इसका एड्रेस क्या? एड्रेस है नियर साई हॉस्पिटल, हाँ, अपोजिट काशीराम गेट मुरादाबाद। मास्क के शूट के बराबर में? मास्क। अच्छा और इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पाइस लॉन्ज, और जो हमारा बार है उसका नाम है एक बार। एक बार, अच्छा नाम का भी अच्छा है। तो सर जो लोग मेरी वीडियो देख के यहाँ पर जो भी लोग आएंगे तो सबसे अच्छे यहाँ पर उन्हें क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पर क्यों आना चाहिए लोगों को, आपको क्या लगता है? पास में जो एम्बियंस है हमारा, हाँ, वो मुरादाबाद के अंदर ऐसा एम्बियंस नहीं है, हमने सेपरेटली स्मोकिंग जोन बनाया हुआ है, सेपरेटली हमारे पास में पार्टी हॉल है। अच्छा जो यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप अकेले में पार्टी कर सकते हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर स्मोकिंग अलाउ नहीं करते। अच्छा उसका बाहर एरिया बना रखा है? हाँ बिल्कुल बना रखा है, और जो मुरादाबाद के अंदर सारे ब्रांडेड है जो IMFL और FMML वो सारे ब्रांड हमारे पास में अवेलेबल है। अब देख सकते हैं मैं तो बाकी नॉन डेंगर हूँ, जो मतलब जिन्हें इंटरेस्ट है वहाँ पर आ सकता है, बाकी जो चलो बूथों के बाहर की बात, जो रेस्टोरेंट वगैरह उसमें सबसे अच्छा क्या हमने खाने के लिए, जो पब्लिक आएगी यहाँ पे, जो फैमिली वगैरह या फ्रेंड वगैरह आएंगे, फैमिली आएगा उनके लिए हमारे पास में पनीर हांडी है, पनीर हांडी, दाल मखनी है, दाल मखनी है, और आपका पनीर रो प्याजा है। अच्छा और जो नॉन वेज के अंदर अगर हम बात करते हैं उसके अंदर मटन रोगन जूस, पटन दारा और अमृतसरी फिश। अच्छा ये हमारे पास में। अच्छा और जैसे मान लो किसी बर्थडे पार्टी या छोटी मोटी फंक्शन होते हैं तो उसके लिए आपको अवेलेबल है, आपका रेस्टोरेंट नहीं है पास, वो हमारे पास में पार्टी हॉल अवेलेबल है। तो कितने लोग गैदरिंग हो जाएगी यहाँ पे लगभग? 30 से 40 लोग भी गैदरिंग आराम से हो जाएगी। चलो ठीक है, थैंक यू। दिन के अंदर आना चाहते हैं तो पूरा रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा, पूरा दिन, दिन के अंदर, पूरे दिन, पूरे दिन के लिए। अच्छा
चलो कम से कम मिनिमम उसके अंदर। अच्छा, तो इसके ओनर कौन है? और जो मेरे ब्लॉग देख के वीडियो देख के जो लोग यहाँ पर आएंगे उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं तो आपसे कहना चाहूंगा आप आइए एक बार एक्सपीरियंस लीजिए मुरादाबाद के अंदर। सबसे डिफरेंस आपको एक्सपीरियंस यहाँ जो लोग ट्रैफिक जैम या इसका रेस्टोरेंट गए होंगे ना, पता लग गया होगा की मतलब बहुत सही जगह है। तीनों और मतलब सेम टू सेम जगह। मुझे तो लगा काफ़ी सही लग रही है, बाकी आप कमेंट करो तो आपको लगे कैसी लगी। यानी डू कमेंट बिलो गाइस। अपना मुराद कितना अच्छा होता है ना, मतलब अपना मुराद शुरू से अच्छा था लेकिन फिर भी थोड़ा और अच्छा हो रहा है। रेस्टोरेंट कैफे तो मतलब प्रेस के मामले में बहुत अच्छा होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। यहाँ देखा टू ईयर्स ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए और जब से लेकर अब तक बहुत चेंज आ चुका है। मैं पहले मतलब कैफे रेस्टोरेंट जाता था, थोड़ा नॉर्मल से कैफे थे छोटे छोटे, लेकिन अब तो लॉन्च खुल रहे हैं नए नए, मतलब कह रहे हैं मतलब बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और रोटा खुल रहे हैं, क्या बात है। और आने वाले 5 साल में तो दिल्ली से कम नहीं हमारा शहर, मेरा अब कम तो अभी नहीं है, फिर भी अब देखना गारंटी बता रहा हूँ। मुरादाबाद जिंदाबाद। मुराद से कोई देख रहा है मतलब मुराद से मतलब मुराद से लोग देख रहे हैं तो भाई कमेंट कर दो ज़रा, आप अपने शहर से प्यार करते हो नहीं करते हो? अगर प्यार करते हो कमेंट करो कि आप अपने शहर से कितना प्यार करते हो। ओके फिलहाल तो अपन में ऐसे मतलब आ गया वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन बाद में पक्का मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स यहाँ पक्का आऊँगा मैं दोबारा फर्स्ट नंबर के बाद, मजा आएगा ना तब आएंगे आराम से। और गाइस आप प्ले हो चुका है माय करंट फेवरेट सॉन्ग समर हाई ए पटेल ना। गाइस बस कॉम्प्लीट ना है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो गाइस आप देखो कितनी फील आ रही है ना, मतलब लाउड म्यूजिक या डिस्प्ले चल रही है यहाँ पे तो क्या मजा आ रहा है, देख रहे हो है नहीं भाई। देखो सामने का व्यू आपको दिखाता हूँ और ज़्यादा मैं, यहाँ से व्यू आपको अच्छा रहेगा। कुछ नहीं तो आप हम स्टेट से आराम से यहाँ बैठे हो आराम से, तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं आप, बाहर का व्यू भी एंजॉय करते रहेंगे, अपनी मिल भी एंजॉय करते रहेंगे, कुछ भी अपनी है नहीं है, आपको हर पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं यहाँ से ट्राई करते हैं, अगर टाइम लगता आप बता तो एक अच्छा था ना। सो गाइस हमारी कोल्ड कॉफ़ी भी फिनिश हो चुकी है, आई होप कि आपको ये छोटा टाइम में पसंद आया हो। बाकी चलते हैं ऊपर हम। गाइस इन्होंने डिस्काउंट दिया यूट्यूब साहब को 10%, बाकी नहीं पता नहीं है कि मेरे को लोग मतलब और पे करते हैं मेरे जाने के लिए, पर कोई बात नहीं सबको अपना लग रहा है बिकॉज यहाँ पर मैं खुद आया हूँ, नहीं काफ़ी मेरे खुद लोग बुलाते हैं। सो गाइस चलते हैं प्यारी सी जगह खोल के स्पाइस लॉन्च और एक बार और जो इस वीडियो को इम्पोर्टेंट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जो है मिलती है फिर से आपको बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, लव यू ऑल। गाइस मैं काफ़ी टाइम से जो है रेस्टोरेंट कैफेज के ब्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो अपने पैर बना के सब्सक्राइब करते हैं बाय बाय, लव यू ऑल। और देखना आपका मन कर रहा हो तो यहाँ पर आ जाना, नहीं कर रहा हो तो कोई बात नहीं, एज विश आपको और जगह दिखाएंगे अच्छी सी, आप वहाँ जा सकते, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय, अपना ध्यान रखें, बाय।